तो गाइस एक और नई सुबह, आज है 6 जून 2022। आज मैं आपको लेके आया हूँ, ये कोलंबो का एयरपोर्ट है एंड श्रीलंका में ये लोकेटेड है। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट, हैव अ लुक। ये सोविनियर्स की शॉप है अंदर एंड छोटे आउटलेट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं बहुत। तो ओवर हियर इफ इन केस यू वांट टू परचेज एनीथिंग यू कैन, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस डॉलर्स में यहाँ पे पेमेंट है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप देखिए यहाँ पे मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू सिंगापुर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप ओवर हुआ है श्रीलंकन एयरलाइंस का। तो एक लेओवर बोलते हैं इसे, 3 घंटे 4 घंटे को फ्लाइट यहाँ पे रुकती है, उसके बाद हमें दूसरी फ्लाइट लेनी होती है। तो कुछ इस तरह का है श्रीलंकन एयरपोर्ट। तो यहाँ पे वेलनेस की है ये शॉप्स और ये लाउंज एरिया भी है यहाँ पे। देखिए ये मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग आवर्स का टाइम है, सो पीपल आर रिलैक्सिंग हियर, यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी है, बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे कंपेयर किया दैट द रेट्स आर कंपैरेटिवली हायर, हर चीज़ में यहाँ पे एक्सपेंसिव है। हाउएवर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा 3-4 घंटे का जो ले हुआ होता है, आराम से बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये कैफे कॉफ़ी बीन भी है यहाँ पे एंड बर्गर किंग भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे अगर आपका भी ले ओवर होता है। ये रिटर्न फ्लाइट कॉस्टेड मी अराउंड 21,000, जिसमें मेरा दिल्ली सिंगापुर, सिंगापुर दिल्ली, तो बोथ वेज। एंड ये बर्गर किंग है। So this is how the airport looks like. Hello. यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं, हालांकि एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट देन ड्यूटी फ्री शॉप्स आर ऑल ओवर। So have a look. So ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, अगर आपका ट्रांजिट होता है तो आपको इमिग्रेशन काउंटर्स पे तो जाना नहीं है, एयरपोर्ट पे ही रुकना पड़ता है आपको। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू कोलंबो, आपको 3-4 घंटे का यहाँ पे ले हुआ बिल्कुल मिलेगा ही। एंड आप यहाँ पे कभी भी व्हेनेवर आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सो दिस इज़ द कॉफ़ी बीन शॉप हियर। मेरे को शूट के लिए वो मना कर रहे थे, बट देन हमारा काम है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ दिखाना। सो दिस इज़ द रीज़न बाय मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। दीज आर सम सोवेनियर्स, आप यहाँ से ले सकते हैं जब भी आप सिंगापुर से कोलंबो या कोलंबो से सिंगापुर जा रहे हैं। गेट्स का अभी तक फ़िलहाल पता नहीं चला है, तो कौन से गेट पे हमें हमारे नेक्स्ट फ्लाइट होगी, किस गेट से।
तो वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। सो सी दिस इज द ड्यूटी फ्री शॉप हियर। सिंगापुर में मेरा जाने का, मेरा विज़िट करने का दो तीन हमारे कॉन्फ्रेंस है कॉलेजेस का। सेकेंडली मैं आपको अब सिंगापुर के क्या हालात है अबाउट द स्टूडेंट्स। हाँ, काफ़ी मेरे को क्वेश्चंस आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि बच्चों को यहाँ पे सिंगापुर बुला रहे हैं पढ़ाई के लिए और बच्चों के पास पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है। तो मैं अभी आपको वो बताऊँगा कि सिंगापुर में आपको पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिल सकती हैं और अकोमोडेशन के बारे में भी मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा। काफ़ी कुछ मेरे को आपसे बात करनी है, वो सब अब मैं वापस से आपको बताना चाहूँगा कि क्या कंडीशंस चल रही हैं अभी। आपके लिए पर्टिकुलर वीडियोस लाऊंगा मैं उसमें और मैं आपको बेस्ट अभी ओपिनियन बताऊंगा अबाउट ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट पासेस और अदर पासेस भी। क्या क्या हमें क्यों लगवाना चाहिए ये पासेस, क्यों आना चाहिए यहाँ पे, क्या आपको फ़ायदा होगा सिंगापुर आके। और सो दिस इज़ द श्रीलंकन कोलंबो एयरपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, मैं अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा जल्दी एक अच्छे व्लॉग में आपको कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ ज़रूरी जानकारियों के साथ और आपको बहुत सारी चीज़ें जो बतानी रह गई थी वो अब मैं आपसे व्लॉग्स में आपको बताऊँगा। तो थैंक यू गाइज, thank you for hearing me out and have a very good day and bhagwan upar wala aapko acha rakhe yahi umeed hai hamari aur fir milte hain aapse kuch naye videos mein kuch naye vlogs mein। ye inka immigration section hai Colombo airport ka, to agar aapko andar jana hai to aapko aapke paas yahan ka visa hona chahiye aur aap sri lanka aa sakte hain। sri lanka ke andar ke halaat हमें नहीं मालूम, बट देन एयरपोर्ट पे कभी भी जो सिटी में या कंट्री में उड़ा होता है वो एयरपोर्ट पे कभी भी जाहिर नहीं करते हैं, कभी भी कोई भी कंट्री। तो एयरपोर्ट पे जैसे भी काम हो रहा होता है वो वैसा ही चलता है।